हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज का जो वीडियो है क्लास 8 क्लास के बच्चों के लिए है, एक्सरसाइज 13.1 डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, तो पहली एक्सरसाइज है। पहला क्वेश्चन सोल्व करने से पहले एक छोटी सी बातें बता देते हैं इस चैप्टर के बारे में, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो डायरेक्ट का क्या मतलब होता है, जब मान लो कोई एक चीज बढ़ रही है और उसी के कंपेयर में दूसरी भी उसके साथ सेम रेशियो में बढ़ रही है, या फिर इसके अपोजिट, अगर किसी कोई एक यूनिट घट रही है और उसकी वजह से कोई दूसरी भी घट रही है, तो वो दोनों क्या बोलते हैं हम उसको, कि वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। जैसे मान लो आप एक घंटे में 5 किलोमीटर जाते हो, तो 2 घंटे में आप 10 किलोमीटर चले जाओगे, यानी टाइम भी बढ़ रहा है और डिस्टेंस भी बढ़ रही है। 3 किलोमीटर में 15 घंटे चले जाओ, 15 किलोमीटर चले जाओगे, तो टाइम और डिस्टेंस दोनों बढ़ रही है। ठीक है, अगर इसको उल्टा लें, अगर मान लो आप 5 घंटे में 50 किलोमीटर जाते हो, ठीक है, तो 2 किलोमीटर में 2 घंटे में 20 किलोमीटर जाओगे। तो इस तरीके से सेम रेशियो में अगर कोई दोनों चीजें बढ़ रही हैं या दोनों घट रही हैं, तो उसको डायरेक्ट प्रोपोर्शन बोलते हैं। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन को निकालने के 2 मेथड होते हैं, मैं जो सिंपल वाला मेथड है वो आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए बोल रहे हैं फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्जेस नियर रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन पर 4 घंटे कोई गाड़ी खड़ी करने के आपसे 60 रुपए लेता है, फिर 8 घंटे खड़ी करने के 100 रुपए लेता है, 12 घंटे खड़ी करने के 140 रुपए लेता है, और 24 घंटे खड़ी करने के 180 रुपए लेता है। तो ये बोल रहा है कि क्या ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या नहीं है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्या मतलब होगा, जैसे मैंने बताया अभी आपको कि अगर मान लो देखो हम क्या करते हैं, 4/60 करते हैं, ठीक है, इसको काटते हैं, कितना आया आपका 15 × 60 1/15, ये आ गया। फिर इसी तरीके से 8/100 को करो डिवाइड, 8/100। अब इसको काटते हैं, मैं पहले 2 से काटता हूं, तो 2 × 4 = 8 और ये आ गया 50। फिर 2 से काटता हूं तो 2 × 25 आ गया। अब ये दोनों रेशियो सेम नहीं है, अगर कटने के बाद ये सेम आते ना तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होते हैं, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है, क्योंकि इनका रेशियो जो है वो अलग अलग आ रहा है, समझ गए। तो रेशियो अगर सेम आता काटने के बाद, तो इसका मतलब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में थे, अब नहीं है। इसी तरीके से 12/140, फिर 12 को 140 से काट के देखो, आप काटोगे तो 2 × 3 = 2, 2 × 6 = 12, 2 × 7 = 14, फिर 2 से कटेगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 35, तो 3/35 आ रहा है, ये भी इक्वल नहीं आ रहा है, तो तीनों ही अलग अलग आ रहे हैं, तो ये हमारा नहीं होगा। फिर इसी तरीके से 24 को डिवाइड बाई 180 से, ऐसे हम सबको काट काट के देखेंगे, इसको भी काटेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2/15, तो कौन सा भी इक्वल नहीं आ रहा चारों में से, तो इसका मतलब ये डायरेक्ट में नहीं है। दीज आर नॉट इन द प्रपोर्शन, डायरेक्ट प्रपोर्शन, ठीक है, ये इसका आंसर होगा और ये सिंपल मेथड है। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, दूसरे क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए मिक्सचर ऑफ पॉइंट पेंट, ए मिक्सचर ऑफ पेंट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग वन पार्ट। ये बोल रहा है अगर एक हिस्से में हम पेंट के एक हिस्से में मिक्सचर करते हैं विद ए पिगमेंट विद 8 पार्ट ऑफ बेस, तो 8 हिस्से बेस के लेते हैं और 1 पार्ट पिगमेंट्स का लेते हैं। फिर बोल रहा है इन द फॉलोइंग टेबल फाइंड द पार्ट ऑफ बेस दैट नीड टू बी एडेड, तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन में ना सिंपल है, टेबल बना रखी है, तो आपको डायरेक्ट में करना है। मैंने बताया था कि आपको काटने के बाद इक्वल आना चाहिए, तो देखो 1 से है ना, आप ये नंबर है 4, तो किसको मल्टीप्लाई किया, यानी 4 को मल्टीप्लाई किया तो 4 आया, तो ऐसे ही आप 8 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 8 × 4 = 32, तो आपका आंसर आ गया 32, समझ गए। फिर इसी तरीके से 1 से किसको मल्टीप्लाई किया, 7 आया, 7 से किया, तो 8 को फिर वापस से 7 से मल्टीप्लाई करो, 56, इस तरीके से करो। ये सिंपल मेथड है, टेबल बनना है तो ज्यादा टाइम आपको वेस्ट ही नहीं करना। 1 को 12 से किया तो 12 को ही 8 से करो, 12 × 8 = 96, ठीक है। फिर 1 से किसको किया 20, तो 8 को 20 से करो, 8 × 16 यानी 160, ठीक है। अगर बीच का कोई फैक्टर से आपको समझ में आ रहा तो बीच से भी कर सकते हैं, जैसे मान लो ये नहीं है पहले वाला, ये वाला है, तो 4 से किसको मल्टीप्लाई किया 40 आया, ठीक है, तो 4 × 5 = 50, तो 32 × 5 = 160, इस तरीके से भी आप इसको निकाल सकते हो। तो ये सेकंड वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पहुंच जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन ये यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, सोल्व ऊपर ही कर देता हूं मैं यहाँ का। इन क्वेश्चन सेकंड अबो जो ऊपर वाला क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है अगर 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट, अगर एक पार्ट जो ये रेड पिगमेंट वाला है आपने देखा था, अगर 1 पार्ट में कितना है 75 मिलीलीटर बेस यूज किया जा रहा है, ठीक है, तो बोल रहा है हाउ मच रेड पिगमेंट, हाउ मच रेड पिगमेंट शुड वी मिक्स, हमें कितना रेड पिगमेंट
मिक्स करना पड़ेगा, क्या करने के लिए, 1800 मिलीलीटर में। तो देखो मिलीलीटर वाले के नीचे लिखेंगे मिलीलीटर, 1800 मिलीलीटर बेस बनाने के लिए कितना रेड पिगमेंट ऐड करना पड़ेगा। मैं इसको एक्स ले लेता हूं, डायरेक्ट में होंगे तो हम इस तरीके से इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यानी 1800 को 1 से किया और इधर 75 को एक्स से किया और 75 आ जाएगा नीचे, 1800 डिवाइड बाई 75 इक्वल टू एक्स। अब हम इसको काटेंगे 75 से, आप इसको डिवाइड करोगे तो आएगा 24, काट के देखोगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी 24 रेड पिगमेंट या 24 पार्ट्स आप इसका यूज करोगे। तो देखो डायरेक्ट में और इनवर्स में, इनवर्स क्या होता है, इनवर्स में जैसे अभी डायरेक्ट में मैंने बताया था आपको एक चीज बढ़ रही है तो उसके साथ दूसरी बढ़ रही है, तो डायरेक्ट में ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं सेम यूनिट्स एक जगह रख के, और इनवर्स में क्रॉस नहीं करते, इनवर्स में पहले वाली पहले के साथ और दूसरे वाली दूसरे के साथ और फिर उसको इक्वल रख के डिवाइड करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन पढ़े, ए मशीन इन ए सॉफ्ट ड्रिंक, एक सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री में मशीन है जो 840 बोतल भरती है। देखो अभी मैं बोतल्स लिख लेता हूं एक बार आपको समझने के लिए, ठीक है, और इधर लिख लेता हूं टाइम जिस हिसाब से क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ये बोल रहा है 840 बोतल भरता है कितने समय में, 6 आवर में, ठीक है। हाउ मेनी बोटल्स फिल, अब बोतल के नीचे पूछ रहा है तो यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क बना लेंगे या एक्स लिख सकते हो आप। तो यहाँ पे बोल रहा है कि कितनी बोतल फिल करेगा इफ इट फिल इन 5 आवर्स, और टाइम कितना दे दिया 5 आवर्स। अब डायरेक्ट है जितना ज्यादा टाइम होगा उतना ज्यादा बोतलें भर पाएगा, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 840 मल्टीप्लाई 5 और ये 6 चला जाएगा डिवाइड में, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइड बाई, और इधर ये जो क्वेश्चन मार्क है ये लिख दो या फिर आप इसकी जगह एक्स भी लिख सकते हो। अब इसको काट दो और आपका सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। काट दो इसको, 2 से कट रहा है, 2 3 6, 2 4 2 2 4, ठीक है। अब 3 से कट रहा है, 3 1 3, 3 4 12 14, 14 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 5 70, तो 700 आ गया। यानी आपकी जो वैल्यू है एक्स की वो कितनी आ गई, 700। तो यानी 5 घंटे में कितनी बोतल भर देगा, 700 बोतल वो भर देगा, कंप्लीट कर देगा। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है ए फोटोग्राफ ऑफ ए बैक्टीरिया एनलार्ज, एक फोटोग्राफ है किसी चीज का, और इसको आगे करना पड़ेगा या फिर इस साइड में सोल्व कर दूंगा, इधर सोल्व कर देता, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नीचे है, ये फोटोग्राफ ऑफ बैक्टीरिया, किसी बैक्टीरिया का जो फोटोग्राफ है वो अनलार्ज हो रहा है 50,000 टाइम्स अटेन अ लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर की जो रियल इमेज है उसको 50,000 टाइम लार्ज किया उसने, तब वो हमें समझ में आई है। मतलब कोई चीज है उसको 5 सेंटीमीटर में 50,000 टाइम उस बैक्टीरिया को लार्ज किया, तब वो हमें देखा है डायग्राम में। फिर उसी तरीके से बोल रहा है, ये क्या है, व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की एक्चुअल लेंथ बतानी है आपको इफ द फोटोग्राफ इज एनलार्ज 20,000 टाइम। अब देखो एनलार्ज यहाँ पे है, इधर एनलार्ज लिख लो, इधर रियल, ठीक है, अभी ये इमेज है। तो एनलार्ज बोल रहा है अगर 20,000 टाइम हो जाए तो रियल में उसकी लेंथ कितनी होगी, ठीक है, बट वुड बी द एनलार्ज लेंथ, लेंथ कितनी होगी। तो फिर वापस से वही क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि जितना बड़ा पिक्चर होगा उसी के हिसाब से उसको सोल्व करेंगे। तो 20,000 मल्टीप्लाई 5 और डिवाइड बाई आ जाएगा आपका 50,000। देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो फिर 50,000 को इधर ले आते हैं, 4 जीरो से ये 4 जीरो कट गई, 5 से कट गया 5, यानी आपका आ गया 2 सेंटीमीटर। ये बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसमें ध्यान रखना है। देखो यहाँ पे मैंने बोतल के नीचे बोतल लिखा था, टाइम के नीचे टाइम, यहाँ पे हमने क्या लिखा था, इमेज के नीचे इमेज की लेंथ लिखी और अनलार्ज टाइम जो है उसके नीचे अनलार्ज टाइम लिखा, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई मानो, देखो मैं इधर बता देता हूँ आपको, मान लो इधर आपका ए है और ये बी है, ठीक है, सेम यूनिट है, फिर सी है और डी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए को डी से करेंगे और सी को बी से, ये जो आपका बी है बी से कर देंगे, ठीक है। अब जोन सी वैल्यू हमारे को नहीं दी हुई है उसको छोड़ देंगे और बाकी को सोल्व कर लेंगे। जैसे सपोज करो ए हमारे को याद करनी है, तो ए को इधर ही रखेंगे और डी को उधर ले जाएंगे, ए इज इक्वल टू सी इंटू बी अपॉन डी। ये सिंपल सा मेथड है, सभी क्वेश्चन में यही सोल्व करना है आपको। तो आशा करता हूँ फिफ्थ क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। तो
सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक मॉडल है जहाज का, ठीक है, एक जहाज का मॉडल दिया हुआ है आपको, एक मिनट एडजस्ट कर देता हूँ, साफ आ रहा है ना, ठीक है। इन ए मॉडल ऑफ शिप, एक शिप है उसका मॉडल है, द मास्ट इज 9 सेंटीमीटर। देखो मास्ट क्या होता है, जैसे मान लो ये शिप है कोई और उसके बीच में जो मस्तूल होता है इसको मास्ट बोलते हैं, ठीक है, जिसपे पर्दे वर्दे टांगते हैं हवा के लिए, तो इसके बारे में बता रहा है। ये बोल रहा है एक मॉडल है शिप का, द मास्ट इज 9 सेंटीमीटर हाई। ये मास्ट जो है ये कितना है, 9 सेंटीमीटर है, तो मैं इधर लिख देता हूँ मास्ट, मास्ट है 9 सेंटीमीटर हाई, वाइल द मास्ट ऑफ एक्चुअल शिप इज 12 मीटर, और एक्चुअल वाला इधर लिख देता हूँ, एक्चुअल में कितना है 12 मीटर। इफ द लेंथ ऑफ शिप इज 28 मीटर, अगर लेंथ ऑफ शिप इज 28 मीटर हो, ठीक है, तो 28 इधर लिख दूंगा, तो हाउ लॉन्ग द मॉडल शिप इज, तो मॉडल शिप जो है वो कितने सेंटीमीटर का होगा, समझ गए, यानी 9 सेंटीमीटर की जो डायग्राम है या फोटो है उसके अंदर लेंथ है 9 सेंटीमीटर और रियल में है 12 मीटर। अब बोल रहा है एक्चुअल में जो जहाज है ना वो 28 मीटर का है, तो जो इमेज है उसके अंदर कितना दिख रहा होगा, तो वैसे ही हम उसको एक सेंटीमीटर मान लेते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 × 9 इक्वल टू एक्स इंटू 12 को उधर ले जाता हूं, 28 × 9 अपॉन 12 इक्वल टू एक्स। अब काट देंगे, काट देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12। अब इसको काटता हूं मैं 4 से, 7 × 4 = 28 और 7 × 3 = 21, तो x इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आ गई आपकी लेंथ, 21 जो मीटर है 21 सेंटीमीटर, ठीक है, ये इसकी इमेज की जो मतलब मॉडल है आपका जो फोटो है उसके अंदर उसकी हाइट है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है सपोज करो आपके पास 2 किलोग्राम चीनी है और उसके अंदर इतने दाने हैं 9 × 10⁶। तो देखो वेट, और यहां पे लिख लेता हूं क्रिस्टल्स, ठीक है, तो 2 किलोग्राम चीनी में 9 × 10⁶ क्रिस्टल्स है, तो हाउ मेनी शुगर क्रिस्टल्स आर देयर इन ए 5 किलोग्राम, तो 5 किलोग्राम में एक्स, फिर वो वापस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 5 × 9 × 10⁶ है ना, तो मैं 1 10 ले लेता हूँ और 10⁵ कर देता हूँ इन दोनों की मल्टीप्लाई, और उधर आ गया हमारा 2 × x। अब 2 को मैं डिवाइड में ले जाता हूँ, तो 5 × 9 × 10 × 10⁵ इक्वल टू एक्स, और 2 आ गया नीचे, 2 से काट देता हूँ, 2 × 5 = 10। अब इनकी नंबरों की मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा और मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा वो हमें पता चल जाएगा, तो 5 × 5 = 25, 25 × 9 = 450 कितना आ रहा है, सोल्व करना पड़ेगा, कर लेते हैं 25 × 9 × 10⁵ इक्वल टू एक्स। अब इनकी मल्टीप्लाई करता हूं मैं, 45, 5, 4, 9, 2, 18, 19, 20, 21, 22 × 10⁵ इक्वल टू एक्स, ये आंसर आ गया आपका। लेकिन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो आपको पॉइंट जो ये यहाँ पे लगाना चाहिए, तो 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे तो 2.25 हो जाएगा और इधर मल्टीप्लाई में 10⁵ की जगह 2 बढ़ जाएगा, क्योंकि हमने 2 का पॉइंट इधर लगाया तो इसमें 2 वैल्यू बढ़ गई, तो आपके 5 किलोग्राम चीनी जो है उसके अंदर इतने क्रिस्टल्स हो जाएंगे, 2.25 × 10⁷ क्रिस्टल्स हो जाएंगे। फिर इसी का, एक मिनट, इसी का जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है 1.2 किलोग्राम ऑफ शुगर में कितने क्रिस्टल्स होंगे, तो वापस वैसे ही करेंगे, पहले वाले में 2 में कितने थे, 9 × 10⁶, अब 1.2 में भी ऐसे ही x ले लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2x इज इक्वल टू 9 × 10⁶ × 1.2, x को मैं इधर ही रखता हूं, 9 × 10⁶ × 1.2 का मैं एक बार पॉइंट हटा देता हूं, नीचे 10 लिख देता हूं, और जो ये 2 है ये चला गया डिवाइड में, ठीक है, 2 × 6 = 12 और 9 × 6 = 54 और 10⁶ और नीचे हमारा एक 10 रहेगा, इस 10 से इसकी एक पावर कट जाएगी, तो यह आ जाएगा आपका 54 × 10⁵, फिर पॉइंट लगाएंगे तो वापस से 5.4 × 10⁶, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। हाँ अब बोलो क्या डाउट, पॉइंट जब आप स्टैंडर्ड में लिखोगे ना तो एक नंबर छोड़ के आपको और फिर पॉइंट लगाना है, कुछ भी नंबर आए, जैसे मान लो 3, 6, 7, 8 × 10⁷ आ रहा है तो ये गलत आंसर माना जाएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो यहाँ पे पॉइंट होना चाहिए यहाँ पे,
ठीक है, यहाँ पे पॉइंट लिखोगे तो उसके बाद फिर आपने तीन से पहले पॉइंट लगाया ना, तो इसके अंदर तीन और ऐड कर दो, तो यहाँ पे पॉइंट लगाया तो 10^7 में तीन ऐड करोगे तो 10^10 हो जाएगी। आया समझ में? इस तरीके से कन्वर्ट करना है आपको हमेशा, स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखना है। ठीक है, ये 7th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। फिर उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8। चलिए 8 देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है, रश्मि हैज ए रोड मैप विद अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंटेड 18 किलोमीटर। अब रश्मि है जो है उसके पास कोई मैप है, उसमें 1 सेंटीमीटर जो है उसके अंदर 18 किलोमीटर है। ठीक है, शी ड्राइव्स ऑन ए रोड फॉर 72 किलोमीटर, और उसने रोड 72 किलोमीटर रोड पे ड्राइव किया, तो व्हाट वुड बी द डिस्टेंस कवर्ड इन द मैप। मैप के अंदर कितनी डिस्टेंस कवर्ड की, वैसे ही हम एक्स मान लेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये वाली एक्सरसाइज है सारी डायरेक्ट की है, और आपको समझ में भी आ जाना चाहिए कि जो सेम मैप है उसी के अंदर देखेंगे तो इक्वल रेशियो होगा, तो 72 × 1 और इक्वल टू 18 × x, 72 / 18 = x, 18 4, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 4 सेंटीमीटर, यानी आप मैप में 4 सेंटीमीटर है तो उसने 72 किलोमीटर कवर कर लिया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखो इसी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है कि कोई हाइट है पोल की, हाइट ऑफ पोल वो कितना है 5 मीटर 60 सेंटीमीटर, तो हम हाइट एक साइड में लिख देंगे 5.60 लिख दो, या 5 मीटर और 60 सेंटीमीटर, इसको हम बाद में कन्वर्ट कर लेंगे, एक बार लिख लेते हैं। और दूसरी क्या चीज दी हुई थी, लेंथ ऑफ शेडो, ये जो इतना वर्टिकल पोल था कोई, उसकी जो शेडो बन रही है वो कितनी बन रही है 3 मीटर और 20 सेंटीमीटर की, तो इधर शेडो लिख देता हूं। ठीक है, जो 3 मीटर और 20 सेंटीमीटर की बन रही है। चलो फाइंड द सेम लेंथ ऑफ द शेडो कास्ट बाय द अनदर पोल 10 मीटर और 50 सेंटीमीटर हाई, तो हाइट है 10 मीटर और 50 सेंटीमीटर और इसकी शेडो आपको बतानी है, तो सेम वही है। मैं पहले क्या करता हूँ, इनके सबके मीटर के सेंटीमीटर बना लेता हूँ, तो 55 मीटर है, 5 में सेंटीमीटर बनाएंगे तो 500 हो जाएंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी 560 सेंटीमीटर हो गया, और ऐसे ही इधर इसके बनाएंगे तो ये 1000 हो जाएंगे यानी 1050 सेंटीमीटर हो गए, और ऐसे इसका बनाएंगे तो 320 सेंटीमीटर। अब इनका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके और सॉल्व कर देंगे। ठीक है, मैं इधर कर देता हूँ, हमारा इधर हो गया 560/1050 और इधर हो गया हमारा 320, इधर हो गया x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 560x = 320 × 1050, अब x = 320 × 1050/560 ये इधर आ जाएगा। ठीक है, अब इसे सोल्व करेंगे, काटा पिटी करेंगे तो क्या आंसर आ रहा है वो आपका सोल्व हो जाएगा, तो 0 से 0 काट देंगे, 40, 48, 2 से काटते हैं 16, 8, 2, 4, 2, 2 जा 4, 2, 8 जा 16, फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ 8 आ जाएगा और यहाँ 2 अंदर 2 और 2, 4 जा 8, फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा आपका 7, 7 से इसको काटेंगे तो 7, 1 जा 7, 7, 5 जा 35, तो 150 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 चौके 60, 600, तो 600 आपका क्या आ जाएगा 600 सेंटीमीटर, और इसके मीटर बनाओगे तो 6 मीटर आपकी क्या हो जाएगी हाइट, क्या था, शेडो, शेडो हो जाएगी आपकी 6 मीटर। फिर इसी के अंदर जो दूसरा क्वेश्चन था उसमें क्या बोल रहा है आपका, द हाइट ऑफ द पोल विच कास्ट शेडो 5 मीटर लॉन्ग। अब की बार हमें उल्टा दे दिया, अब की बार हमारे को वो उल्टा दे दिया कि 5 मीटर लंबी अगर शेडो है तो आपको हाइट बतानी है, तो इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को करो और कमेंट में मुझे आंसर बताना। अगर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई चीज समझ में नहीं आई तो हम कोशिश करेंगे अगली एक्सरसाइज में उसको भी कवर करने की। तो लास्ट क्वेश्चन आ गया अपना 10th क्वेश्चन, और देखते हैं उसमें क्या दिया हुआ है और फिर हमारी एक्सरसाइज हो जाएगी कंप्लीट। एक लोडेड ट्रक ट्रेवल है 14 किलोमीटर इन 25 मिनट। देखो 14 किलोमीटर कितने मिनट में जाता है, 25 मिनट में। इफ द स्पीड रिमेन द सेम हाउ फार कैन इट ट्रेवल इन 5 आवर्स।
तो 5 घंटे में, टाइम के नीचे टाइम लिखेंगे, इधर टाइम है और इधर है डिस्टेंस, ठीक है, तो 5 आवर में कितने किलोमीटर वो कवर करेगा। अब देखो, या तो ये मिनट है जो इसका हमारे पास हवर में होना चाहिए, और या फिर ये आवर है इसके मिनट में कर लो, ठीक है। तो इस मिनट्स के आप हवर कर लो तो किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो जाएगी, तो मिनट्स के आप आवर बनाओगे तो 25/60 और ये हो गया आपका आवर। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 14 × 5 और इधर हो गया आपका x × 25/60। अब इन दोनों को उधर ले जाओ, 14 × 5 × 60/25 = x। तो 5 से 5 को काटो, 5 × 5 = 25, 5 से इसको काटो 12 आ जाएगा, 12×5 = 60। अब 12 की और 14 की आप मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा आपका 168, और ये हो जाएगा आपका किलोमीटर x में, यानी टोटल आपने 168 किलोमीटर की डिस्टेंस जो है वो कवर की है। तो आशा करता हूँ आपको एक्सरसाइज समझ में आई होगी, 10 के 10 क्वेश्चन हमने 13.1 के करा दिए, अगले वीडियो में हम अगली एक्सरसाइज कराने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले अच्छे से।